लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात है एमएस बिट्टा साहब में कि वो टीम आरजीएस में है, लेकिन एमएस बिट्टा साहब का इस फैमिली में रहना अपने आप में इस देश का एक इतिहास बन रहा है। एमएस बिट्टा साहब, बहुत सादर आमंत्रण आपको सुनने के लिए, निश्चित रूप से आप मुख्य अतिथि के रूप में। वंदे मातरम। आदरणीय पत्रकार, और आज के राष्ट्र के हालात के ऊपर, चैनलों के ऊपर दिल से चर्चा करने वाले और देश के लोगों को जगाने वाले श्री मोहन जी, दूरदर्शन केंद्र के हमारे डायरेक्टर ठाकुर साहब, गुप्ता साहब, और मेरे भाई मुन्ना जी, जिन्होंने एक वंदे मातरम को लेकर के, भारत माता की आज़ादी को रक्षा को लेकर के, एक बड़े अच्छे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ दिल से शुरुआत की है। मेरी बहन होंडा जी और सीनियर पत्रकार, मेरे भाइयों, बहनों और साथियों, आज का दिन खुशी का दिन भी है और दूसरा ये सोचने का दिन है कि वो पत्रकारी शहीद आजम भगत सिंह जी के टाइम की पत्रकारी, जब मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए नौजवानों के अंदर, देशवासियों के ऊपर एक नया जज्बा पैदा करने के लिए, नौजवानों के अंदर राष्ट्र के लिए एक नई रूह पैदा करने के लिए किस तरीके से पेपरों को निकाला करते थे, किस तरीके से युवा पीढ़ी को जागरूक किया करते थे, और आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद काफ़ी हद तक पत्रकारी ने इस राष्ट्र को नया रूप देने के लिए, इस मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा के लिए, आज़ादी से पहले इस भारत माता को आज़ाद कराने के लिए, कहीं कभी प्रदीप जी ने हम लाए हैं तो फान से ये किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, ऐसे कवियों ने लिख कर के इस राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन और बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा की है। हमें वो दिन याद है, एक फोटोग्राफर फोटो खींचते थे और उस वक्त दूरदर्शन केंद्र हुआ करता था, एक हाथ में फोटो की वो रील, आजकल तो मॉडर्न युग आ चुका है, और एक हाथ में दूरदर्शन की कैसेट। अमृतसर से जलंधर 125 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल पे मेरे दोस्त, मेरे साथी वो देने जाते थे, एक पंजाब केसरी अखबार के अंदर और एक दूरदर्शन के अंदर, कि सुबह इसको लगवा दीजिएगा। वो पब्लिसिटी नहीं थी, आज को पब्लिसिटी का टाइम हो गया, प्रेस पब्लिसिटी, हर बात पे पब्लिसिटी, उस वक्त ये नहीं था। उस वक्त फोटो लगनी फ्रंट पेज के ऊपर और दूरदर्शन केंद्र पे शाम को 7 बजे वो न्यूज चलनी, तिरंगे झंडे लेकर के आतंकवाद के खिलाफ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक, धर्म अनेक, प्रथम राष्ट्र। वो जब न्यूज चलती थी तो हिट लिस्ट बढ़ती थी। हमारे काफले में से कई ऐसे नौजवान जो कुछ महीनों के अंदर शहीद हो जाते थे, पर हमने वो अपने रास्ते को कभी नहीं छोड़ा। पर अगर आंदोलन कामयाब हुआ, पंजाब के अंदर अमन शांति आया, तो पत्रकारी का सबसे बड़ा रोल था, और जो हमारी फोटोग्राफ रोज लगाते थे हमारे आंदोलनों के अंदर, नौजवान पीढ़ी जुड़ती गई, जुड़ती गई, पुलिस अपनी गोली का जवाब गोली देती रही, और हम तिरंगे झंडे लेकर के वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते हुए अपनी जबान को AK-47 बना करके आतंकवादियों से लड़ते रहे। उस वक्त मीडिया के साथ मिलकर के, वो मीडिया का एक रोल था। कई पत्रकार पंजाब के अंदर शहीद हुए, उनकी कलम को समाप्त करने की कोशिश हुई, पर एक कलम अगर समाप्त हुई तो दूसरी कलम तैयार रही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। इतनी बड़ी शहादत दी उस वक्त पत्रकारों ने। पर अगर आज के युग को देखें, आज के वक्त को देखें, प्रेस पब्लिसिटी के अलावा कुछ नहीं रह गया। हम देखते हैं जंतर मंतर के अंदर रोज, हमने भी यूथ कांग्रेस के जब प्रेसिडेंट थे, मिनिस्टर थे, हम भी प्रदर्शन किया करते थे, टोटल ड्रामा।
मीडिया पॉलिटिक्स, फोटो पॉलिटिक्स। खुद कहा जाता है कि पानी की बुछाड़ की जाए, खुद कहा जाता है कि लाठी चलाई जाए, मीडिया में फोटो जब आती है फिर अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को बताते हैं, देखो हमारे ऊपर लाठियां चली, देखो हमारे ऊपर बुछारे चली। और जंप ऐसे मारे जाते हैं जैसे कारगिल का युद्ध लड़ने के लिए ये पाकिस्तान सामने खड़ा है। टोटल मीडिया पॉलिटिक्स, फोटो आनी चाहिए, किसी भी तरीके से आनी चाहिए, मीडिया में दिखना चाहिए, किसी भी तरीके से दिखना चाहिए। सवाल सबसे बड़ा ये है, मीडिया अपनी जिम्मेदारी को अब कब समझने की कोशिश करेगा? हम बहुत दूर जा चुके हैं। मैं ऐसे कई नेताओं के आर्टिकल देखता हूं, कल नेता बने, कई ऐसे फिरका प्रस्ती के नारे दिए, देश को तोड़ने के नारे दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को तोड़ने के नारे दिए, जमीन के वो लोग नहीं। पर कोई ऐसे अच्छे पेपर हैं जिसमें बड़े बड़े आर्टिकल छपते, क्या ना उनका नाम लूं मैं? और मैं भी सोच के हैरान हो जाता हूं, मैं क्या आज के बाद इस पेपर के अंदर हम न्यूज अपनी कभी नहीं देंगे? अगर इस मीडिया को, इस पेपर को यह नहीं पता, आदमी बड़ा हो सकता है, बड़े नेता का बेटा हो सकता है, पर जमीन के अंदर कोई देखा है क्या उसने? किताबें पढ़ के कभी भी रास्ता नहीं मिलता, रास्ता मिलता है प्रैक्टिकल, जिन्होंने फील्ड में जाके काम किया हो। पीड़ा होती है, दुख होता है। को कहता है मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, एक एक महीना, दो दो महीने वही न्यूज चलती रहती है। कोई वंदे मातरम बोलता है, कोई शहीदों के परिवारों की समस्या है, कोई दिखाने वाला नहीं है। मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, न्यूज चलती रहेगी। हमने आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी छोड़ दी। क्यों? जब कोई जज्बातों को समझने को तैयार ही नहीं, विचारों को समझने को तैयार ही नहीं, भावनाओं को समझने के लिए तैयार ही नहीं। जिस जगह पे जाओ वो उस नेता के खिलाफ, वो उस नेता के खिलाफ, वो उस पार्टी के खिलाफ, वो फलानी जात, फलाना धर्म, फलानी कास्ट के खिलाफ। अरे यही मीडिया में काम रह गया। अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, अगर मोहन जी अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, अगर ठाकुर जी अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, अगर मुन्ना जी अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, अगर ये जवान मौत का कफन बांध करके अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, तो मीडिया का कर्तव्य क्या है? वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाए। जो कहे मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, चल साइड पे हो जा, तुम्हें नहीं मौका मिलेगा यहां पर।